नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे दूसरा डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम है सॉर्ट। शुरू करेंगे तो मेरे पास पहले से ही पाइपलाइन रेडी है। मूव और ट्रांसफॉर्म में से हम डेटा फ्लो एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं DF सॉर्ट एक्टिविटी। सेटिंग्स में आएंगे, नया डेटा फ्लो बनाएंगे, हालांकि हमने पहले भी बनाया है। इससे पहले हम आगे बढ़े, डेटा फ्लो को मैं ऑन कर लेता हूँ, डेटा फ्लो डीबग को, तो इसको थोड़ा समय लगेगा। डेटा फ्लो को हम नाम देते हैं DF सॉर्ट। तो इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, फाइल का इस्तेमाल करेंगे, सोर्स पे क्लिक करके इसका स्ट्रीम का नाम देंगे read.csv फाइल। फिर तुरंत एक डेटा सेट बनाएंगे और वैसे ही रहेगा, डेटा लेक Gen2 को पॉइंट करेंगे, डिलिमिटेड टेक्स्ट DS, इसको हम कहते हैं सॉर्ट। और डेटा लेक का कनेक्शन लिंक सर्विस से ब्राउज करेंगे माई कंटेनर में और फाइल सेलेक्ट करेंगे ये वाली जो पिछले वीडियो में हमने इस्तेमाल की थी, फर्स्ट ओएस हेडर। ओके, तो इसमें 16 कॉलम्स है, हालांकि हमारा फोकस अभी सॉर्ट पे है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कम कॉलम रहे। तो तुरंत क्या करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर इसके इसको नाम देंगे हम सिलेक्ट कॉलम्स। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर रीड CSV फाइल्स कॉलम पर, और फिर जो कॉलम्स चाहिए बस वही रख देते हैं। जैसे प्रोडक्ट की कस्टमर की रख देता हूँ, सेल्स अमाउंट रख देते हैं और टैक्स को रख देते हैं, बाकी सब मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। तो देखिए 4 ही कॉलम है। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ चेंज कीजिए या यहाँ चेंज कीजिए, लेकिन बेहतर रहेगा यहाँ चेंज कीजिए क्योंकि हम यही कॉलम आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हो कि चेंज करना मतलब क्या कि डेटा टाइप मुझे असल में चेंज करने थे, तो हम क्या कर लेते हैं, जो रीड CSV फाइल है इसके अंदर अगर हम प्रोजेक्शन में आते हैं तो हम उन्हीं कॉलम्स का डेटा टाइप चेंज करते हैं जो हम आगे लेके जा रहे हैं, जैसे इंटीजर, और इंटीजर यहाँ पर, और सेल्स अमाउंट के लिए डबल और टैक्स के लिए भी डबल, तो यहाँ पर डबल कर देंगे। और तुरंत जब हम यहाँ आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको चेंजेस दिखेंगे। अब हमारा मकसद है इस डेटा को सॉर्ट करना, तो प्लस करेंगे अब एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इस वीडियो में। तो यहाँ पर रो मॉडिफायर कैटेगरी में सॉर्ट है। तो सॉर्ट क्या करता है, डेटा को अरेंज करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, इसको हम कहते हैं सॉर्ट डेटा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, एक एक करके देखेंगे हम। ऊपर इसको थोड़ा सा हम पुश करते हैं, इनकमिंग स्ट्रीम को आपको सिलेक्ट कॉलम्स ही रखना है। दो चीज़ें दिखेंगे, रीड CSV और सिलेक्ट कॉलम, ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस वाला लेता है। फिर अगर आपको केस इनसेंसिटिव वगैरह रखना है तो ये ऑप्शन है, लेकिन हमारा पहला एग्जांपल जो रहेगा हमें प्रोडक्ट की से सॉर्ट करना है और असेंडिंग में करना है। और नल्स को अगर आपको ऊपर रखना है तो ये चेकबॉक्स, वरना निकाल दीजिए। अभी फिलहाल हमारे डेटा में कोई नल नहीं है। तो सॉर्ट होने के पहले देखिए डेटा किस तरीके से दिख रहा है। डेटा प्रीव्यू में हम रिफ्रेश करते हैं, सोर्स को मैं रिफ्रेश नहीं करता क्योंकि 16 कॉलम है, हमें वो देखने नहीं है, बस मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हमें नज़र आएगा कि 4 कॉलम का डेटा फिलहाल अनसॉर्टेड है। तो सॉर्ट करना मतलब असेंडिंग में या डिसेंडिंग में इसको अरेंज करना है। अब इसको थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स लगेंगे ताकि वो प्रीव्यू को रीड कर सके। क्लस्टर तो हमारा ऑन ही है पहले से, शुरुआत में थोड़ा उसको टाइम लगता है, जैसे आपने देखा है डेटा फ्लो डीबग को ऑन करने में। क्लस्टर भी ऑन है, अभी फेच कर रहा है डेटा। तो अब यहाँ अगर आप देखते हैं उसको, तो देखिए प्रोडक्ट की को अगर देख रहे हो तो ये डेटा सॉर्टेड नहीं है, 310, 346, 311 इस तरीके से है। अब हमें इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए हमने सॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। तो डेटा प्रीव्यू का देखिए अभी कमाल क्या है, आपको यहीं पर डेटा कैसा ट्रांसफॉर्म हुआ है ये दिख जाता है। ये खासियत है जो मैं बार बार बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ पिछले वीडियो से, कि डेटा प्रीव्यू का फ़ायदा क्या है। तो अब देखिए डेटा कैसे सॉर्ट हो गया है, 310 ऊपर है और 351 नीचे है, तो क्योंकि हमने असेंडिंग में किया है। ठीक है, अब हम ऐसे ही रखते हैं इसको और प्लस पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर सिंक को ऐड करेंगे और इसको हम कहते हैं सिंक सॉर्ट। बस तुरंत क्या करेंगे हम, डेटाबेस में इसको पुश करेंगे। आप कहीं भी कर सकते हैं इसको, पर मैं इसको SQL डेटाबेस में पुश कर देता हूँ, Azure SQL में। इसको हम कहते हैं DS सॉर्ट सिंक,
डेटा सेट, फिर लिंक सर्विस जो भी आपने बनाई होगी, क्रिएट टेबल, इसका हम नाम देते हैं DBL, DBO स्कीमा है, आप कोई और भी स्कीमा ले सकते हैं अगर बनाया गया है तो, TBL, इसको मैं बोलता हूँ सॉर्ट एक्सपोर्ट, तो मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शॉर्टकट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं फिलहाल ठीक है इसको। और सॉर्ट में तो वही डेटा आएगा जो पिछले सेक्शन में था, क्योंकि माफ़ करना आखिरी जो सिंक है तो उसमें कुछ प्रीव्यू में चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉर्ट में जो था वैसा ही डेटा, बस हम आगे पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अहम रोल सॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का है, जब तक ये जनरेट होता है तो ये हो गया, अब हमारा काम हो गया है, बस हम पाइपलाइन में आके इसको डीबग या ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर्स हमने सीखे नहीं है, बस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगला जो सेक्शन रहेगा वो ट्रिगर्स का ही रहेगा, तब देखेंगे उसको। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको कुछ 20-1 सेकेंड लग सकते हैं लगभग, और इसके हम डिटेल्स को ओपन कर लेते हैं। बस यहाँ पर देखिए रिफ्रेश है, तो अब ये फेल हुआ है किसी कारण से, तो हम चेक कर लेते हैं इसको वापस जाके, यहाँ पर आ जाते हैं ऑथर मोड में। डेटाबेस का कुछ इशू है, इसको शायद से जो लिंक सर्विस रहेगा सिंक का वो हमें चेंज करना पड़ेगा शायद से, वो कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं एक बार। हाँ तो एक काम कर लेते हैं, इसका कुछ नहीं, बस न्यू सिक्वल डीबी कर लेता हूँ मैं टेस्ट कनेक्शन, बस ये ठीक है अभी, अब रन करेंगे हम तो ये हो जाना चाहिए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बस एक और एक 20 सेकेंड। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं तो किस तरीके से, देखिए डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन में हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यही फ़र्क है एक्टिविटी और डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन में। ये हो गया है, अब हम यहाँ पर क्वेरी कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL सॉर्ट एक्सपोर्ट, शायद से यही नाम था। तो ये देखिए डेटा आ गया, लेकिन हमें इसको देखना है कि आए सॉर्ट हुआ है क्या। तो 311 दिख रहा है, लेकिन बाद में 310 दिख रहा है और 312 दिख रहा है, तो यहाँ पर डेटा तो सॉर्ट नहीं आया है, लेकिन हम जब प्रीव्यू में देख रहे थे वहाँ तो डेटा सॉर्टेड था, जैसे कि आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख पा रहे थे, प्रीव्यू में हमने देखा यहाँ पर। तो उसका कारण ये है कि जब हम सॉर्ट करते हैं डेटा, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑप्टिमाइज में सॉर्ट डेटा के अंदर, पार्टीशन ऑप्शन, तो ये करंट पार्टीशनिंग है, इसको हम सिंगल पार्टीशन करते हैं ताकि एक ही ब्लॉक में डेटा सॉर्ट हो जाए, ये एक अलग टॉपिक है, फिलहाल हम इसको सिंगल पार्टीशन ही रखते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये जो टेबल था इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, प्रोडक्शन में नहीं करना आपको इसको अब, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो ड्रॉप ठीक है, आप कोई और टेबल सेलेक्ट या क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, तो अब पार्टीशनिंग को सिंगल रखने के वजह से क्या होगा कि डेटा बराबर से सॉर्ट होके आएगा। पार्टीशनिंग मतलब क्या, अलग अलग पार्टीशंस में चले जाता है डेटा, तो इसीलिए क्या वो सॉर्ट नहीं होता है, इसके बारे में अलग से हम कुछ डिस्कस करेंगे बाद में। बस इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अब ये हो गया है। तो अब सिलेक्ट को रन अगर मैं करता हूँ, देखिए दो क्वेरीज थे, डायरेक्टली FI नहीं करना है आपको, पहले इस क्वेरी को सिलेक्ट करना है, वरना इसके बाद ये रन होगा ड्रॉप हो जाएगा टेबल। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, हमेशा ड्रॉप अपडेट को है ना आप कमेंट करके रखिए, गलती से FI दबाने से सारे कमांड्स रन ना हो। अब देखिए पूरी तरीके से सही में सॉर्ट हो रहा है, तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब डिफ़ॉल्ट जो है असेंडिंग है, आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ अगर हम आते हैं सॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, सॉर्ट सेटिंग्स में, ये असेंडिंग है, अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो उसके अंदर डिसेंडिंग का भी ऑप्शन है, वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं कुछ अलग बताता हूँ अभी आपको। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डेटा आ रहा है प्रोडक्ट की असेंडिंग में हो और कस्टमर की डिसेंडिंग में हो। जैसे कि मान लो अभी कुछ पहले 10-12 रोज़ देख लो, 310 प्रोडक्ट की है और उसमें कस्टमर की है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कस्टमर की भी शॉर्ट हो, लेकिन कुछ इस तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट की असेंडिंग, कस्टमर की डिसेंडिंग, तो इसके मायने क्या हो जाते हैं देखेंगे। अब इसको मैं प्लस करूंगा यहाँ पर, ये करने से आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट भी है। फिर कॉलम का नाम रहेगा कस्टमर की, और उसके बाद
हम सिलेक्ट करेंगे डिसेंडिंग। ये थोड़ा सा कभी कभी सिलेक्शन में देखिए दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये नल को हटा देंगे और ड्रॉप कर देंगे टेबल, क्योंकि वही नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बस वापस से जाके डीबग पे क्लिक कर देंगे। तो बस और कुछ सेकंड्स में ये भी हो जाएगा। अब ये एग्जांपल में थोड़ा आपको समझना है। तो देखिए, अगर आप सीक्वल में एटलीस्ट बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो ये सब चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। बस यहाँ पर आसान करके रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने हमें डेटा फैक्ट्री में सब ट्रांसफॉर्मेशंस देकर। अब देखिए, गौर कीजिए, 310 है 12 रोज में, तो डिसेंडिंग में ही आ रहा है। उसके बाद में 311 है, तो उसके अंदर डिसेंडिंग। अब समझिए, प्रोडक्ट की पहले आ रहा था हमारे शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन में और कस्टमर की बाद में, तो प्रायोरिटी या मास्टर हमारा प्रोडक्ट की रहेगा। मतलब क्या, पूरा डेटा पहले जो है वो असेंडिंग में कस्टमर की में प्रोडक्ट की में शॉर्ट होगा प्रोडक्ट की वाइज, और हर एक जो प्रोडक्ट की है जैसे 310 उसके अंदर कस्टमर की डिसेंडिंग में होगा। तो जब 310 ख़त्म तो 311 के अंदर के कस्टमर्स की डिसेंडिंग में, फिर 312 के डिसेंडिंग में, इस तरीके से होगा। तो ये फ़र्क है सिंगल शॉर्ट, सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम। और याद रखिए, प्रोडक्ट की पहला है तो मास्टर है, अगर आपको कस्टमर की या कोई और कॉलम चाहिए था बस आप यहाँ से चेंज कर दो इसको ड्रॉप डाउन में से, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यही था शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर। देखने के लिए शुक्रिया, बने रहिए, धन्यवाद।